कक्षा 10वीं गणित पे उपयोगी संपूर्ण फार्मूला। इसमें पूरा जितने भी अध्याय हैं सभी अध्याय का फार्मूला दिया है, आपको बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताऊंगा कि किसमें से, जैसे एक नंबर का जो सवाल आता है सही विकल्प रिक्त स्थान सत्य सत्य, वो किस टाइप का आता है वो सब भी बताऊँगा। देखिए आगे, ये अध्याय एक का है का बहुपद का, जैसे ये सब भी इम्पोर्टेंट है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तीनों फार्मूला ज़्यादा उपयोग होता है। यहाँ से देखिए एक नंबर में इसमें पूछ देता है, जैसे ये लिखा है पी एक्स बटा क्यू एक्स का योज्य प्रतिलोम का क्या होगा। यहाँ पर इसमें सिंपल सा अगर कुछ भी जैसे पूछ दिया 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो अगर आपको ध्यान देना है यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब प्लस है, चिन्ह पे ध्यान देना है, तो प्लस का उल्टा होता है माइनस, तो इसका हो जाएगा -2/3। कुछ पूछ दिया, अगर पूछ दिया -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो +2 होगा, चिन्ह को बदलना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, योज्य प्रतिलोम में आपको याद रखना है, एक नंबर में इसमें से पूछता ही है, चिन्ह बस को ध्यान देना है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करना है। उसके बाद देखिए आपका गुणन प्रतिलोम, तो देखिए गुणन प्रतिलोम जैसे ये बोला, ये गुणन प्रतिलोम, तो गुणन प्रतिलोम जैसे मान लो पूछ दिया 1/2 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें उल्टा करते हैं, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, तो इसका गुणन प्रतिलोम होगा 2/1, मतलब क्या होगा 2। उसी को अगर पूछ दिया 4 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे में क्या रहता है 1, तो क्या हो जाएगा 1/4। तो गुणन प्रतिलोम में नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे करते हैं, क्लियर इतना। उसके बाद देखिए आपका अनुपात और समानुपात से, जैसे इसमें से है आपका ये वर्गानुपात से, मान लीजिए पूछ दिया ये ए अनुपात बी का वर्गानुपात, वर्ग करना है आपको, जैसे अगर मान लीजिए पूछ दिया 2/3 का वर्गानुपात क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग / 3 का वर्ग, तो 2×2=4 और 3×3 क्या हो जाएगा 9, तो 4/9 ऐसे बनाना है। वैसे इसमें देखिए वर्ग मूल अनुपात पूछा है, तो वर्ग मूल अनुपात मतलब अगर दे दिया रहेगा इसी को 4/9 का वर्ग मूल अनुपात, इसको आपको क्या करना है, ऐसे वर्ग मूल लगाना है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, 9 का वर्गमूल होता है 3, ऐसे। ऐसे आपका दिया है ये ए अनुपात बी का घन अनुपात, तो इसका घन मतलब होता है घात 3, तो यहाँ से आपका हो जाएगा जैसे 2/3 का घन अनुपात, तो 2 को 3 बार लिखेंगे, 2×2×2 ऐसे 2×2×2 और 3 को 3 बार लिखेंगे, 3×3×3, तो इसका हो जाएगा 2×2=4, 4×2=8, इसका हो जाएगा 3×3=9, 9×3=27, इस प्रकार। वैसे घनमूल अनुपात में क्या होगा, जस्ट जैसे वर्गमूल का निकाले वैसे घनमूल, जैसे अगर मान लो बोल दिया 27/64 का घनमूल अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा 27 का क्या होगा, ऐसे 3×3=9, 9×3=27, 64 का होगा 4×16, 16×64, जो 3 बार गुणा करने पर आए क्या होगा इसका 3/4। तो आपको याद रखना है वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, प्रतिलोम जस्ट उल्टा है, प्रतिलोम अगर पूछ दिया तो उसको उल्टा करना है, मान लो दे दिया 45/60, तो क्या हो जाएगा 60/45 हो जाएगा, प्रतिलोम उल्टा आगे पीछे करना है बस। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका फार्मूला है मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। मध्यानुपाती मतलब बीच में आता है बी, ए बी सी लेंगे तो इसका होगा प्लस माइनस करणीय सी। तृतीयानुपाती मतलब तीसरे नंबर पर क्या आता है सी, जैसे अगर हम ए बी सी लेंगे तीसरे नंबर पर कौन आया सी, तो सी बराबर होता है B²/A, और वैसे चार ठो लेंगे ए बी सी डी, तो चौथे नंबर पर क्या आया डी। चतुर्थानुपाती तो क्या होगा इसका PC/A। इसमें से 2 अंक का सवाल आता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये के नियम हो गया है, ए बराबर बी के, सी बराबर डी के, ई बराबर एफ के। इसको आपको याद रखना है, जैसे इसमें बोला है ये ए और डी को चरम पद बोलते हैं और बी और सी को क्या बोलते हैं मध्य पद बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद ये है किसी समानुपात में मध्य पदों का गुणनफल उसके चरम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। रिक्त स्थान पूछ देता है इसको,
ये किसी समानुपाती माध्य पर गुणनफल उसके रिक्त इसको खाली स्थान छोड़ देगा के गुणनफल के बराबर होता है, चरम पदों गुणनफल के बराबर होता है। उसके बाद है आपका वर्ग समीकरण। इसमें क्या दिया है, वर्ग समीकरण का मानक रूप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो पूछ ही देता है खाली स्थान वगैरह में। यहाँ से वर्ग समीकरण मानक रूप आपको याद रखना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो। बहुत सारे बच्चे बराबर जीरो नहीं लिखते, केवल इतना लिख देते, तो आपको याद रखना है जब तक बराबर जीरो नहीं लिखेंगे तो आपको अंक नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आपको पूरा पूरा लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो, ये मानक रूप है। मानक बहुपद पूछे तब आप बराबर जीरो नहीं लिखेंगे। फिर दिया ये रिक्त स्थान, इसको भी पूछता है वर्ग समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात रिक्त स्थान होती है तो कितना हो जाएगा, दो होती है। फिर यह वर्ग समीकरण में कितने मूल होते हैं, तो वर्ग समीकरण में दो मूल होते हैं अल्फा व बीटा। तीन अंक के सवाल में आपका ये श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसी को सूत्र विधि से हल कीजिए कर कैसे आएगा, या सूत्र की सहायता से हल कीजिए तब आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। इसका होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करणी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पूरे का बट्टा दो ए। देखिए यहाँ तक पूरे का बट्टा लगाना है इसमें आपको। उसके बाद आपका दिया है विविधकर, ये विविधकर को ही विविधकर को विभेदक भी बोलते हैं, आप याद रखना क्या बोलते हैं, विभेदक। तो विभेदक को d से दर्शाते हैं और d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। दो अंक का सवाल इसमें पूछता है। और उसके बाद आपका इसका तीन कंडीशन है, जैसे एक लिखा है पहला ये d छोटा जीरो, ये इसको आपको पूछ देगा भाई शुरुआत वाले में। यदि d छोटा जीरो हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो d छोटा जीरो होता है तो ये क्या होता है, काल्पनिक होता है। आपको याद रखना है क्या होगा, मूल काल्पनिक व असमान होंगे। आपको याद रखना मूल क्या होता है, वास्तविक नहीं होंगे मतलब होता है काल्पनिक व असमान। उसके बाद है यदि d बराबर जीरो आएगा तो मूल वास्तविक व समान होंगे, बराबर लिखा है वास्तविक व समान होंगे। और उसके बाद दिया है यदि d बड़ा जीरो हो तो मूल क्या होगा, वास्तविक व असमान होगा, इसको आपको याद रखना है। उसका है ये दो नंबर में आ जाता है मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा ए, और मूलों का गुणनफल सी बटा ए। फिर देखिए ये वर्ग समीकरण जिनके मूल अल्फा बीटा हो। देखिए इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे प्रश्न में आ जाएगा वर्ग समीकरण को सूत्र की सहायता से हल कीजिए, और एक आता है वर्ग समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है अगर वर्ग समीकरण ज्ञात कीजिए बोलेगा जिनके मूल दिया रहेगा, मूल कुछ भी दिया रहेगा, तो उसमें ये फार्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। लेकिन प्रश्न बोलेगा वर्ग समीकरण को सूत्र की सहायता से हल कीजिए, तो आपको ऊपर बताया श्रीधराचार्य विधि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए वो वाला लगाना है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए इसमें से क्रमागत प्राकृत संख्या है, इससे रिलेटेड प्रश्न आता है, तो जब भी अगर बोलेगा क्रमागत प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या एक से शुरू होता है, एक दो तीन चार ऐसे अनंत तक, और प्राकृत संख्या सदैव धनात्मक होती है, आपको याद रखना है। तो इसमें से देखिए ऐसे पूछेगा तो कभी मानना पड़ेगा ना, तो एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री ऐसे मानना। तो कई प्रश्न में आता है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या है ऐसे करके, तो यहाँ से लेना है x और x प्लस वन, अगर तीन क्रमागत प्राकृत संख्या तो x x प्लस वन x प्लस टू ऐसे लेना है। और एक प्रश्न इसमें से है जैसे कि क्रम से सम प्राकृत संख्या या क्रमागत सम प्राकृत संख्या या क्रमागत विषम प्राकृत संख्या, तो सम बोले चाहे विषम बोले दोनों में आपको x x प्लस टू x प्लस फोर x x प्लस टू x प्लस फोर लेना है, क्योंकि इसका नियम है कि इसका जो अंतर होता है क्रमागत पदों का अंतर दो होता है, मतलब दूसरा से पहला घटाएंगे दो आएगा, तो x प्लस टू में अगर हम x को घटाएंगे तो ये प्लस माइनस कर कितना आया, दो। वैसे x प्लस फोर में अगर आप x प्लस टू को घटाएंगे तो भी दो आएगा, इसको याद रखना है। चाहे सम बोले चाहे विषम बोले, अगर क्रमागत बोलेगा सम प्राकृत संख्या या विषम प्राकृत संख्या तो एक जैसे ही लेना है।
उसके बाद देखिए समानता श्रेणी से है, इसमें से भी दोनों दो अंक का सवाल आ जाता है। जैसे श्रेणी का एनवा पद तो टी एन बराबर ये हो जाएगा ए प्लस कोष्टक में एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन को आप ए एन भी लिख सकते हैं, ये वाला ए एन ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें याद रखना है ए मतलब होता है प्रथम पद, एन मतलब पदों की संख्या और डी मतलब होता है सार्वंतर या पदांतर। अगर अंतिम पद पद पूछेगा तो एल भी लिख सकते हैं, एल मतलब लास्ट होता है। फिर दिया आपका समांतर माध्य दो नंबर का पूछ देता है, तो समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस बी बटे दो। यहाँ पर श्रेणी के एन पदों का योगफल, देखिए वा पद बोलेगा दसवा पद बीसवा पद, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, ये जो दिया है ये वाला। लेकिन इसी पूछेगा दस पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, बीस पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आपको इस फॉर्मूले को लगाना है। ये ज़्यादातर तीन अंक में आता है। इसका हो जाएगा एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक में टू ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन इंटू डी। उसी का एक और है ये वाला, अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहेगा, ए मतलब प्रथम पद एल मतलब अंतिम पद, तब ये फॉर्मूले को लगाते हैं एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक के अंदर ए प्लस एल। इसको आपको याद रखना है, ये श्रेणी बनाने का तरीका है, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस ए एन डी तक। फिर आपका है बैंकिंग एवं कराधान का है, देखिए ये बचत खाता का है। साधारण ब्याज निकालना है तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अगर सावधि का निकालना है एफडी सावधि जमा खाते का, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है ए बराबर पी कोष्टक के अंदर 1 प्लस आर बट 100 घात एन। ए मतलब मिश्र धन होता है, पी मतलब मूलधन, आर मतलब दर और एन मतलब समय। इसमें देखिए कंडीशन है तीन प्रकार का, इसमें प्रश्न पूछ देता है अगर सावधि में, तो इसमें रिक्त स्थान सत्य असत्य और सही विकल्प में भी आ जाता है कि यदि ब्याज तिमाही से आयोजित होता है तो समय कितना होगा या फिर आपका दर कितना होगा। तो आपको याद रखना है तिमाही गणना जब भी बोलेगा तो समय को चार से गुणा करते हैं और दर को चार से भाग देते हैं। इसमें आपको याद रखना है, जैसे किसी को पूछ दिया, मान लो यहाँ से पूछ दिया ये 16% वार्षिक दे दिया रहेगा और 16% वार्षिक और समय दे दिया रहेगा एक वर्ष। तो इसमें अगर पूछ देगा पहला में 16% वार्षिक है और ब्याज तिमाही से आयोजित होगा, दर कितना होगा, तो इसको आपको किससे भाग देना पड़ेगा, 16 को 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 × 16 तो 4% क्या हो जाएगा तिमाही। क्लियर। और समय एक वर्ष दिया है और पूछेगा तिमाही से आयोजित होता है तो क्या होगा, इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, 1 × 4 तो कितना हो जाएगा 4 तिमाही। तो आपको याद रखना है इसको पूछता ही है ज़्यादातर, तो दर को 4 से भाग देना है और समय को 4 से गुणा करना है। लेकिन याद रखिए समय वर्ष में होना चाहिए, एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष, माह में नहीं होना चाहिए, 3 माह 6 माह 9 माह, तो उसमें गुणा नहीं करना है। तो उसमें आप डायरेक्ट बता सकते हैं 3 माह मतलब 1 तिमाही, 6 माह मतलब 2 तिमाही, 9 माह मतलब 3 तिमाही, 3 × 9 ऐसे भी आप बता सकते हैं। वैसे अगर बोलेगा जैसे देखिए ब्याज छमाही से आयोजित होता है, छमाही या अर्धवार्षिक, हाँ तो छमाही मतलब एक साल में कितने बार 6 महीना आता है, 2 बार, एक साल में 12 माह होता है। तो आपको याद रखना है इसमें दर को 2 से भाग देते हैं, दर को किससे भाग देते हैं 2 से, और समय को 2 से गुणा करते हैं क्योंकि एक साल में 2 बार 6 महीना आता है। इसी में अगर दे दिया रहेगा प्रश्न पूछ देगा, अब इसी में जैसे पूछा रहेगा ये 16% दिया वार्षिक तो दर कितना होगा अगर छमाही से आयोजित हो जाती है, इसको 2 से आपको भाग देना है तो कितना हो जाएगा 8% छमाही। और अगर प्रश्न में पूछ दिया 2 वर्ष दिया है और ब्याज छमाही से आयोजित होता है तब क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 4 छमाही, मतलब 2 वर्ष में 4 बार 6 महीने आता है। उसके बाद 5 अंक आपका सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आता ही है, आवर्ती जमा खाता। तो इसका आपको फार्मूला याद रखना है, अगर हिंदी में याद रखना है तो ये ब्याज बराबर मासिक जमा धन गुणा दर गुणा माह की संख्या कोष्टक में माह की संख्या प्लस 1/100 × 24। अगर इस प्रकार, इसमें एक और है, 2 फार्मूला लगता है, एक और जैसे ये वाला है आपका, इस प्रकार मिलने वाली धनराशि ये है आपका मासिक जमा गुणा माह की संख्या प्लस ब्याज। ये इंग्लिश अगर ऐसे याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं, ब्याज बराबर पी गुड़ा आर गुड़ा एन कोष्टक एन प्लस 1/100 × 24। बुक में आपको इस प्रकार भी दिया है, इसको पी गुड़ा आर बटे 100 × 1/2, फिर यहाँ से दिया है एन एन प्लस 1/100
ये दिया है पी गुड़ा आर बटा 100 गुड़ा आपका दिया है 1/2 एन एन प्लस 1/12 इस प्रकार भी दिया है बुक में। तो मतलब वही है 12 × 2 = 24 हो जाता है एन एन प्लस 1। तो आपको इसको भी याद रखना है, इस टाइप का भी दिया है। यहाँ से ये हो गया। और एक और जैसे दूसरा फार्मूला होगा पी गुड़ा एन प्लस ब्याज, इसको याद रखना है। एक नंबर में आपको इसको पूछ देता है, जैसे ये दिया है ना वित्तीय वर्ष की शुरुआत, ठीक है कब होती है? तो वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल को होती है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति कब होती है? 31 मार्च को होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति का इसमें से पूछता ही है, जैसे ये चतुर्थांश से रिलेटेड, जैसे ये दिया है प्रथम चतुर्थांश है तो पहला में क्या है? प्लस प्लस, दूसरा है आपका माइनस प्लस, तीसरा है माइनस माइनस, चौथा है प्लस माइनस। तो कोई भी सवाल दे दिया, मान लो दे दिया -2, 3, ठीक है कौन से चतुर्थांश में स्थित है? 4 विकल्प दे दिया रहेगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो आपको कुछ नहीं, संख्या से मतलब नहीं है, चिन्ह से मतलब है। पहला में क्या दिया है? माइनस। दूसरा में कुछ नहीं मतलब क्या है? प्लस। तो माइनस प्लस, तो देखिए माइनस प्लस कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, कौन सा चतुर्थांश है? द्वितीय। तो आपको लिख देना है द्वितीय चतुर्थांश, सिंपल सा है ये द्वितीय। अगर ऐसी दे दिया रहेगा, मान लीजिए -2, -3, कौन सा चतुर्थांश में? तो देखिए दोनों क्या है? माइनस है, तो माइनस माइनस, ये देखिए माइनस माइनस किस में? तृतीय चतुर्थांश में। तो आपको क्या करना है, ज़्यादातर ये वाला ध्यान देना है, दूसरा और चौथा, इसमें माइनस प्लस है और इसमें क्या है? प्लस माइनस है। ऐसा कर दे दिया रहेगा 4 - 5, तो देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस किसमें? चतुर्थ चतुर्थांश में। एक नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका दूरी से रिलेटेड प्रश्न आता है, 2 नंबर का रहता है, इसको आपको याद रखना है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो कर्णी ये दिया है x2 - x1 पूरे घात 2 प्लस y2 - y1 पूरे घात 2। आपका त्रिकोणमिति से है, त्रिकोणमिति में आपको याद रखना इनको, जैसे एक साइन है तो साइन थीटा को उल्टा होता है 1/cosec थीटा, कोई भी उल्टा बोलेगा मतलब वो नीचे में रहेगा, तो 1/cosec, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर cosec का पूछोगे तो क्या हो जाएगा? 1/sin। वैसे cos का होता है 1/sec थीटा, तो sec का निकालेंगे तो 1/cos थीटा। वैसे 10 है, 10 का होता है 1/cot थीटा, तो cot का हो जाएगा 1/tan थीटा। यहाँ से sin 10 थीटा का होता है sin θ/cos θ, और cot का हो जाएगा cos θ/sin θ। ये महत्वपूर्ण फार्मूला है त्रिकोणमिति, फार्मूला अच्छे से याद रहेगा तो आपका सवाल भी अच्छे से बनेगा। यहाँ से उसके बाद देखिए sin²θ + cos²θ = 1, इसी से 2 और बन जाएगा। अभी साइन का आप निकालेंगे तो कॉस को पक्षांतर कर दिए, तो प्लस उल्टा क्या हो गया? माइनस। वैसे जब आप कॉस का निकालेंगे तो ये 1 का 1 रहेगा, ये प्लस उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। एक फार्मूला से आपका 2 और बन जाता है, तो एक को याद रखना है, बाकी 2 को आप बना सकते हैं। वैसे आपका दिया है दूसरा sec²θ = क्या दिया है? 1 + tan²θ। तो यहाँ से देखिए फार्मूला एक है, इसे 2 और बन जाएगा। तो देखिए यहाँ टेन ये अपने जगह में है, इस 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो sec²θ - 1। वैसे ये sec²θ अपने जगह में है, अब 10 को इधर ले आते हैं, प्लस उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस, एक अपने जगह में। तो sec²θ - tan²θ = 1। उसके बाद दिया है cosec²θ = क्या दिया है? 1 + cot²θ। यहाँ से देखिए cot का निकालेंगे तो ये प्लस उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। तो cosec²θ - 1। वैसे ये cosec²θ अपने जगह में, cot को इधर ले आए तो प्लस उल्टा क्या हो गया? माइनस। तो cosec²θ - cot²θ = 1। इन सबको भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो शुरू का 15 नंबर का प्रश्न है उसको कुछ भी इधर उधर कर देता है। तो आपको अच्छे से इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, फार्मूला याद रहेगा बढ़िया से, तो सब बन जाएगा। उसके बाद लिखा है पूरक कोणों के त्रिकोणीय अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। तो यहाँ पर इसका है देखिए sin 90 - θ तो cos θ, cos 90 - θ तो sin θ,
टेन का होता है कॉट, कॉट का टेन। यहाँ पर देखिए 90 वाले में आपको याद रखना है साइन जो है कॉस हो जाएगा, और कॉस क्या हो जाएगा साइन, टेन कॉट हो जाएगा कॉट टेन, और सेक कॉसेक हो जाएगा और कॉसेक सेक, इनको आपको याद रखना है। उसके बाद आपका ये टेबल है, टेबल से भी प्रश्न पूछ देता है, ज़्यादातर इसमें पूछता है टेन पैंतालीस का मान रिक्त स्थान होगा, तो टेन पैंतालीस का मान होता है एक और कॉट पैंतालीस का मान होता है एक, ज़्यादातर इसी को पूछता है टेन पैंतालीस और कॉट पैंतालीस को। उसके बाद और पूछ देगा तो साइन का पूछ देता है, जैसे साइन सिक्सटी का मान करनी थ्री बाई टू है, साइन थर्टी का मान एक बटी दो है, इसी में से ज़्यादा पूछता है, या फिर टेन सिक्सटी का मान करनी थ्री और टेन थर्टी का मान वन बाई करनी थ्री, ज़्यादातर इन्हीं को पूछता है, वो याद रखना है। उसके बाद आपका है क्षेत्रमिति, उसके बाद आपका लंबवृत्ति बेलन। तो बेलन से देखिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जैसे लिखा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल जिसका पाई आर स्क्वायर होता है, बेलन के आधार की परिधि टू पाई आर, बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ टू पाई आर कोष्ठक के अंदर एच प्लस आर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको फार्मूला याद रखना है, बेलन से रिलेटेड सवाल आएगा आपसे बन जाएगा। उसके बाद दिया शंकु, शंकु का है ये एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल मतलब होता है त्रिज्या ऊंचाई, आर मतलब त्रिज्या हो जाएगा, एच मतलब ऊंचाई। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कोष्ठक के अंदर है एल प्लस आर, शंकु का आयतन वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद आपका है गोला, गोला से रिलेटेड प्रश्न आता ही है, चार अंक का भी आता है, दो अंक का भी आता है। तो यहाँ से देखिए गोले का पृष्ठ होगा, गोले का पृष्ठ बोले वक्र पृष्ठ बोले संपूर्ण पृष्ठ बोले सब चीज़ एक ही होता है फोर पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन होता है चार बटे तीन पाई आर की घात तीन। वैसे अर्धगोला से भी पूछता है, ये अर्धगोलक होता है वक्र पृष्ठ टू पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ होता है थ्री पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का आयतन होता है दो बटे तीन पाई आर की घात तीन। देखिए गोले का जो है चार होता है तो अर्धगोला है तो आधा हो जाएगा, चार का आधा दो, वैसे गोले का आयतन होता है चार बटे तीन पाई आर की घात तीन, तो अर्धगोला है तो चार का आधा कितना हो जाएगा दो, तो दो बटे तीन हो जाएगा। क्या देखना है दो समरूप त्रिभुजों में संगतता, तो पहले त्रिभुज का परिमाप बटे दूसरे त्रिभुज का परिमाप, तो संगत भुजा की लंबाई बटे संगत भुजा की लंबाई। उसके बाद ये पहले त्रिभुज का दो नंबर पूछ देता है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले भुजा का स्क्वायर बटे संगत भुजा का स्क्वायर। वैसे ये भी है शीर्ष लंब का स्क्वायर बटे संगत शीर्ष लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय याद रखना है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से सांख्यिकी से आपका समांतर माध्य, तो समांतर माध्य से जैसे दो नंबर का पूछ देता है, इसको याद रखना है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो ये सिग्मा एक्स बाई एन जो भी दोनों में से एक लगा सकते हैं, और एक है आपका सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, इसको चार अंक के सवाल में लगाते हैं और इसको दो अंक के सवाल में, ये वाला। फिर आपका माध्यिका, तो ये चार अंक का है, दो अंक का भी पूछ देता है इसी में से, जैसे ये लिखा है माध्यिका का पदों की संख्या एन विषम हो, तो जैसे बहुत सारा संख्या दे दिया रहेगा दो दस बारह बारह पंद्रह सत्रह ऐसे, देखिए एक दो तीन चार पाँच, तो विषम संख्या हुआ पाँच ठो आ गए ना, तो विषम रहेगा तो ये लगाना है माध्यिका बराबर एन प्लस वन बाई टू वा पद, ये दो अंक के लिए। अगर इसी को एक और दे दिए मान ली तीन, तो ये मान ली एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः सम संख्या है, तो सम संख्या है तो आपको इसको लगाना है, ये माध्यिका बराबर वन बाई टू कोष्टक लगाना है एन बाई टू वा पद प्लस एन बाई टू प्लस वन वा पद, ऐसे करके इसको लगाना है। ये दिया रहता है दो अंक भी इसको इस्तेमाल करना है, चार नंबर में अगर माध्यिका पूछेगा तो आपको इसको लगाना है, ये वाला पहले का है, अगर चार अंक में पूछेगा तो आपको इस फॉर्मूले को लगाना है, ये वाला
ये माध्यिका एल प्लस कोष्टक के अंदर एन बाई टू माइनस सी एफ गुड़ा एच बटा एफ, इसको लगाना है आपको चार अंक में पूछेगा। तो वैसे आपका बहुलक है, बहुलक चार नंबर का एग्जाम में आता ही है, तो इसका होगा एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो गुड़ा एच बटा टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। याद रखें बटा यहीं तक लगाना है आपको, इधर तक लगाएंगे ना तो यहीं पर आपका पूरा सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको याद रखना है बटा जैसे यहाँ तक है यहीं तक लगाना है, यहाँ तक है यहीं तक लगाना है। आप जैसे इसमें लिखा है h की जगह हम l2 माइनस l1, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ l2 l1 लिखेंगे तो यहाँ भी आपको l1 लिखना पड़ेगा। तो एक ही फार्मूले को लगाना है आपको, तो यही बेहतर है, एक को ही लगा सकते हैं। आपका ये तो आएगा ही आएगा चार नंबर का बहुलक। दो नंबर में आपको समांतर माध्य या माध्य या माध्यिका, समांतर माध्य या माध्यिका पूछता है, वो ऊपर वाला लगाना है और बताया उसको, ये चार नंबर के लिए। उसको देखिए बहुपद से है आपका, ये जैसे ये भाजक x माइनस ए है तब शेषफल क्या होगा एफ ए, माइनस है तो क्या हो गया प्लस, वैसे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। बहुपदों गुणनखंड की विधि देखिए तीन प्रकार का है, उभयनिष्ठ निकालकर, सर्वसमिका के उपयोग से और मध्यपद तोड़कर। यहाँ आप क्या देखना है द्विघाती बहुपद, देखिए इसी को बताया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मानक बहुपद है, मानक समीकरण पूछेगा तो इसके बराबर में लग जाएगा जीरो। फिर जैसे ये शून्यकों का योगफल कैसे बनता है, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल पूछेगा तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपका ये भी पूछ देता है ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो बहुपद कहलाता है, तो इसको रिक्त स्थान में पूछ देगा तो क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। फिर है दो चरों का रैखिक समीकरण, इसमें से सवाल भी आता है आपका, आपको याद रखना ये वाला, जैसे ये समीकरण के निकाय के हल के प्रकार का पता लगाना, तो इसमें क्या है ये दो अंक आता है और आपका रिक्त स्थान वगैरह में भी पूछ देता है। जैसे ये है ए वन बटे ए टू बराबर नहीं बी वन बटे बी टू, तो कौन सा हल होगा अद्वितीय हल होगा और दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है, इसको तीनों प्रकार से सवाल पूछ देता है आपका, शुरू के जो एक एक नंबर वाला सवाल है उसमें, तो तीनों भी याद रखना है अद्वितीय हल दो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होता है। देखिए इसी समझ आ सकता है आपको, ये काट रहा है, काट रहा है मतलब क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं दो ठो है इसमें उसको काट रहा है दो लाइन, इससे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ये बोले ये ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं सी वन बटे सी टू, इसका होगा क्या कोई हल नहीं दो समांतर रेखा है, तो शुरू में देखिए इसमें लिखा है ना ये ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू, तो ये बराबर है ना, तो दोनों क्या है इसको बोलते हैं समांतर रेखा, तो दो समांतर रेखा है, इसी से आप समझ में आ जाएगा आपको। फिर तीसरा दिया है तीनों देखिए बराबर है ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू, तो अनंतः अनेक हल और संपाती रेखा है, तीनों बराबर है तो संपाती रेखा है। तो इस प्रकार तीनों फॉर्मूलों को याद रखना है और तीनों प्रकार से याद रखना है क्योंकि वो सभी काम में आएगा आपको। उसके बाद देखिए ये इसको भी पूछ देगा एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका मूल बिंदु का मान कितना होता है, तो मूल बिंदु का मान जीरो जीरो, तो याद रखिए इसको कोष्टक में शून्य अल्पविराम शून्य ऐसे ही लिखना, केवल ऐसे लिख देंगे तो उसमें गड़बड़ है। यहाँ से इसको पूछ देता है एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि, तो याद रखिए क्या होता है शून्य होता है, या अगर ऑप्शन में शून्य नहीं दिया है इस टाइप का दिया है एक्स जीरो तो आप इसी को लगाएंगे, क्लियर है। तो क्या होता है जब x अक्ष पर स्थित होता है तो y का मान जीरो होता है, इसका मतलब ये है जैसे एक्स वाई लिखते हैं x में स्थित है तो y का मान जीरो होगा, ऐसा है। वैसे ही y अक्ष में स्थित है तो उसका भुज जीरो होगा, तो जैसे हम एक्स वाई लिखते हैं y में स्थित है तो x का मान जीरो होगा, तो ये क्या हो जाएगा जीरो y, तो जीरो अगर ऑप्शन वाला आ गया तो जीरो y, जीरो अल्पविराम y, ऐसे लगाना है। ढाल या प्रवणता दो अंक का सवाल आ जाता है, या तो दूरी का पूछता है या प्रवणता से पूछता है, तो प्रवणता का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, सिंपल सा है ये बराबर टेन थीटा। इसमें से आपका रिक्त स्थान में पूछ देगा या सही विकल्प वगैरह में इस जब अंतराल क्षैतिज में हो, जब अंतराल क्षैतिज हो तो इस स्थिति में y2 माइनस y1 शून्य है, इसीलिए इसकी प्रवणता
क्या होगी? तो शून्य होगी। जब अंतराल ऊर्ध्वाधर हो तो इस स्थिति में क्या होगा? x2 माइनस x1 शून्य है, तो इस स्थिति में प्रवणता अपरिभाषित है। इसी पूछता है ऊर्ध्वाधर है तो प्रवणता क्या होगा? अपरिभाषित होगा, और क्षैतिज हो तो प्रवणता क्या होगा? शून्य होगा। इसको आपको याद रखना है। रेखा के किन्हीं भी दो अंतरालों की प्रवणता बराबर होती है। ये रेखा का समीकरण है y बराबर एम एक्स प्लस सी। इसमें से आपका एक नंबर की स्टेप पूछता है, जैसे कुछ भी दे दिया रहेगा। ये लिखा है माइनस दो एक्स प्लस, आपको मान लीजिए पूछ दिया y बराबर फोर, तो यहाँ से ये फोर, तो इसमें से पूछ देगा प्रवणता कितना है। तो आपको क्या रखना है, y को ऐसे लिखना है, इसको माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये वैसा ही रहेगा। अब इसको तुलना करेंगे, देखिए किसका मान है, m का मान है, एम एक्स प्लस सी y बराबर, तो m का मान कितना आ गया? दो, तो इसका प्रवणता कितना होगा? दो। ऐसे ही पूछता है, तो कुछ भी ऐसा टाइप का देगा तो आपको y को पहले करना है, बाकी को पक्षांतर कर देना है। तो उसमें जो x वाला है, x में जो संख्या रहेगा तो चिन्ह समेत लिखना है, अगर माइनस है तो माइनस, तो वही उसका प्रवणता होगा। आलेख से इसको पूछ देगा, संख्याओं से बनी आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन आलेख कहलाता है। तो ये चित्रात्मक प्रदर्शन, इसको आप याद रखना है, आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन आलेख कहलाता है। ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, तो देखिए यहाँ से ये वाला भी प्रश्न में पूछता ही है, खाली स्थान वगैरह में। रिक्त स्केलिंग का अर्थ है आकार में बदलाव करना, यानी आकार को छोटा या बड़ा करना। तो ये कौन सा है? स्केलिंग, इसको याद रखना है। उसके बाद आपका है ये, दो समरूप आकृतियों के माप में विशेष अनुपात होता है जिसे रिक्त स्थान कहते हैं, तो स्केल गुणक कहते हैं। आकृति को बड़ा करने के लिए स्केल गुणक एक से बड़ा होना चाहिए, ये सब एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद आकृति को छोटा करने के लिए स्केल गुणक एक से छोटा होना चाहिए, छोटा करना है तो एक से छोटा, बड़ा करना है तो एक से बड़ा। ये सर्वांगसमता का पाँच ठो नियम होता है, उसको याद रखना। जैसे ये कोड़ कोड़ भुजा, इसमें जैसे ऑप्शनल में देता है कोड़ मतलब ए को कोड़ बोलते हैं, ए इसको भुजा, तो सर्वांगसमता के नियम में कोड़ नहीं होता, आपको याद रखना है। तो सर्वांगसमता का पांच नियम है ये, जैसे पूछता है इसको रिक्त स्थान में पूछ ही देता है, या सत्य सत्य में सभी सर्वांगसम बहुभुज समरूप होते हैं, तो सत्य सत्य में पूछेगा तो सत्य है, लेकिन इसी को पूछ देगा समरूप पहले, सभी समरूप बहुभुज सर्वांगसम होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। सर्वांगसम पहले समरूप बाद में तो सत्य, और समरूप पहले सर्वांगसम बाद में तो असत्य। इसके बाद दिया ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें से सब एक एक नंबर का पूछता ही है। जैसे घन या घनाभ के शीर्ष कितने होते हैं, तो शीर्ष होता है 8, इसका भुजा या कोर एक ही होता है 12, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ या फलक कितना होता है, तो 6। तो घन और घनाभ दोनों का एक जैसे ही होता है, आपको याद रखना है, लेकिन घन जो बनता है वर्ग से बनता है, घनाभ आयत से बनता है, इसको भी याद रखेंगे। घन वर्ग से बनता है, घनाभ आयत से बनता है, लेकिन पूछेगा घन का शीर्ष तो भी 8, घनाभ का शीर्ष तो भी 8, घन की भुजा तो भी 12 और घनाभ का भुजा वो भी 12 होगा। घन और घनाभ का पृष्ठ या फलक 6 होता है। इसको आप देख सकते हैं घन या घनाभ का शीर्ष कैसे होता है, जैसे यहाँ देखेंगे, इसको देखते हैं 1, 2, 3, 4, फिर ऐसे लेंगे, इसी शीर्ष बोलते हैं 5, 6, 7, 8, ऐसे, क्लियर है? इसी को लेते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, भुजा में लेते हैं तो इसको लेते हैं, भुजा किसको लेंगे, भुजा इस प्रकार लेते हैं, भुजा जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये भुजा है। और संपूर्ण पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ, आप अपनी बुक को देख सकते हैं, तो बुक का ऊपर नीचे दो हो गया, दायां बायां 2, 2, 4, फिर एक साइड को देखेंगे 6, तो 6 भाग होगा, आप बुक को देख सकते हैं। उसके बाद इसका याद रखेंगे, ये घन या घनाभ के कुल विकर्ण, ये भी पूछा जा चुका है, तो घन या घनाभ का कुल विकर्ण होता है 16, पृष्ठीय विकर्ण पूछेगा तो 12, आकाशीय विकर्ण पूछेगा 4। आपको ये घुमाता है, अगर आपको जैसे सत्य सत्य आया हो तो
तो सही चीज आपको पता है तो वो गलत हो ही जाएगा। जैसे सत्य सत्य पूछ देगा कि यहाँ से घन या घन आपके कुल विकर्ण 18 है, तो अब क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि कुल विकर्ण होता है 16। वैसे पूछ देगा घन या घन आपकी पृष्ठी विकर्ण है 20, तो क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि पृष्ठी विकर्ण होता है 12। घन या घन आपके आकाशीय विकर्ण है 3, तो वो असत्य हो जाए क्योंकि उसका आकाशीय विकर्ण होता है 4। तो आपको सही चीज याद रखना है, बाकी वो असत्य अपने आप हो जाएगा। आकाशीय विकर्ण को याद रखने के लिए आप अपने कमरे का चार्ट ठो, जैसे कमरा है तो उसमें 4 कोना होता है, या जिस कक्ष में आप बैठेंगे तो 4 कोने को आप देख सकते हैं। तो जैसे 4 कोना होता है, तो 4 कोना है तो आकाशीय विकर्ण 4 होता है, ऐसे आप उसको याद रख सकते हैं। क्लियर है इतना? वैसे पूछेगा घन के पृष्ठी विकर्ण की लंबाई, तो घन के पृष्ठी विकर्ण की लंबाई होता है 1 करणी 2। घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई होता है 1 करणी 3। इससे भी रिलेटेड प्रश्न आता है, आपको इसको याद रखना है। फिर दिया है घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a² घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a². तो घन में देखिए पार्श्व मतलब पीछे वाला भाग, जैसे अपना घर है तो पीछे साइड 4 रहता है, अगर पीछे साइड को हम देखेंगे तो 4 भाग रहेगा, तो आपको याद रखना है पार्श्व मतलब पीछे वाला एरिया, या हमारा कमरे में 4 दीवार होता है तो 4 दीवार को याद रख सकते हैं, 4 और दीवार रहते हैं ना कमरे में, तो उसको आप याद रख सकते हैं, तो 4a². क्लियर है? घन का संपूर्ण पृष्ठ तो कितना हो गया, 6a² बुक को याद रख सकते हैं, बुक का 6 भाग है, आप देख सकते हैं उसको। फिर घनाभ के पृष्ठी विकर्ण की लंबाई, ये घनाभ का है 3 तो दिया है, ये विकर्ण को डी से दर्शाते हैं। इसमें आपका है घनाभ के आकाशीय विकर्ण की लंबाई, तो घन या घनाभ आपको याद रखना है, घनाभ के आकाशीय विकर्ण की लंबाई होता है, ये 3 नंबर में आता है, करणी लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। फिर आपका ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h कोष्टक में l प्लस b, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 कोष्टक lb प्लस bh प्लस hl। घनाभ का आयतन है lbh लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का आयतन देखिए, घनाभ का आयतन ये और घन का आयतन 1 ही घात 3, तो दोनों में आपको ध्यान देना है। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। आयत का परिमाप 2 कोष्टक एल प्लस बी मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई एल गुणा बी, एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई। यहाँ देखिए एल मतलब लंबाई होता है लेंथ, बी मतलब ब्रॉड मतलब चौड़ाई, एच मतलब हाइट माने ऊंचाई, ए मतलब आर्म मतलब भुजा, डी मतलब डायगोनल मतलब विकर्ण। गणितीय कथनों की जांच, चिन्ह को भी याद रखना है, ये बराबर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, और ये इसलिए में देखिए एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, चूंकि में 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, ये आपका बराबर नहीं है, ये सभी के लिए, उल्टा ए लिखा है मतलब क्या, सभी के लिए, ये का अवयव है, चिन्ह को याद रखना है, इसको दे देता है, ये देखिए अवयव नहीं है, काट दिया मतलब नहीं है, ये समरूप है और ये सर्वांगसम है, इसमें 2 लाइन ऐसे और ये क्या है, सर्वांगसम है। उसके बाद देखिए अंतर्भाव या इंगित करता है, ये समांतर है। इस प्रकार चिन्हों को भी याद रखना है। यहां से देखिए उसके बाद क्या दिया है, एक सम और एक विषम संख्या का जोड़ हमेशा विषम संख्या होता है, इसको भी रिक्त स्थान में पूछ देता है या सत्य सत्य पूछ देता है, तो आपको याद रखना है एक सम और विषम को जोड़ेंगे, जैसे 2 और 3, ये सम है ये विषम है, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5, तो ये क्या है, विषम है ना, 5 विषम है, उसी को बोल रहा है। फिर विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, जैसे ये 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 × 6 नहीं करना है, 3 × 3, 3 × 9, तो 9 क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। वैसे किन्हीं 2 समरूप बहुभुजों के परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात और स्केल गुणा के बराबर होता है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये रहा 10वीं गणित में बहुत ही उपयोगी ये सभी फार्मूला है, और जितना ही बताया हूँ इतना को अगर आप पढ़ लेंगे आपको बुक देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और मैक्सिमम आपका सभी सवाल इससे बन जाएंगे, क्योंकि फार्मूला ही मेन है, फार्मूला आपको याद है, उसके बाद आपको मेथड आता है गणित बनाने का, आसानी से आपसे बन जाएगा।
किस टाइप का सवाल आता है वो भी बता दिया। इन सबको आपको ध्यान देना है क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है और दसवीं गणित बहुत ही सरल है, आपका आसानी से 100 में 100 अंक आ जाएगा। बस आपको ध्यानपूर्वक उसको बनाना है, कभी जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से धैर्यता से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, मन को शांत कर लेना है। उसके बाद उसको पढ़ने के बाद याद रखिए जो सवाल पहले बनता है उसको पहले बनाना है और उसके बाद ही जो मान ली थोड़ा लग रहा है ध्यान में नहीं आ रहा तो उसको बाद में बनाना है आराम से, क्योंकि बाकी सब बन जाता है तो वो भी बन जाएगा। हमेशा उत्तर क्रमांक लिखना है और साफ सुथरा बनाना है। रफ कार्य जहाँ भी करना हो तो आप रफ कार्य में ही करें, उसको रफ कार्य में आपको करना है, फिर उसको लास्ट में काट देना है। दो पेन यूज़ करना है, ब्लैक और ब्लू, डार्क पेन यूज़ नहीं करना है।